अगर आप प्रमुख सर्च इंजन गूगल पर पप्पू इन इंडिया सर्च करते हैं तो आपको सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम और तस्वीर दिखाई देगा। इसी तरह गूगल पर हु इज पप्पू इन इंडिया लिखने पर राहुल गांधी का नाम ही आएगा। इतना ही नहीं, अगर आप हिंदी में भी इंडिया का पप्पू सर्च करते हैं तो राहुल गांधी की तस्वीर ही और उनसे जुड़ी सामग्री सामने आती है। राहुल गांधी की ही तरह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी अक्सर कनाडाई पप्पू कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या बातें हैं जिनसे राहुल गांधी को भारत का पप्पू और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कनाडाई पप्पू कहा जाता है। दरअसल दोनों नेताओं के बीच कई मजेदार समानताएं हैं। सबसे पहले दोनों नेताओं की हरकतें और उनकी पीआर रणनीति में समानता पाई जाती है। इसके अलावा ऐसे कई उदाहरण हैं जो दोनों को करीब लाते हैं। राहुल गांधी और जस्टिन ट्रूडो दोनों मजबूत राजनीतिक परिवारों से आते हैं। राहुल गांधी के पिता, दादी और परदादा सभी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। राहुल गांधी को विरासत में राजनीति मिली है और कांग्रेस के मौजूदा युवराज हैं। राहुल गांधी की ही तरह जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो भी कनाडा के प्रधानमंत्री थे। पियरे ट्रूडो 4 बार कनाडा के प्रधानमंत्री रहे। कनाडा में यह एक रिकॉर्ड है। 1968 से 1984 तक वो कनाडा के सबसे मजबूत नेता रहे। राहुल गांधी और जस्टिन ट्रूडो दोनों समय समय पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने से बाज नहीं आते हैं, लेकिन इस दौरान दोनों गलती कर जाते हैं और मजाक का पात्र बन जाते हैं। जस्टिन ट्रूडो 2016 में एक रिपोर्टर को क्वांटम कंप्यूटिंग का पाठ सिखाने लग गए। वहीं उनके इस लड़कपन को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उन पर जमकर कटाक्ष किया। ट्रूडो की तरह राहुल गांधी ने भी फैसला किया कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि कुछ दिनों बाद पता चला कि वह सिर्फ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे किसी मुद्दे पर उन्होंने कोई बात नहीं की। जस्टिन ट्रूडो और राहुल अपने फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हैं। फैंस से मिलने के दौरान दोनों काफी क्रेजी हो जाते हैं। सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर उनके बीच जाना दोनों की हॉबी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने फैंस से मिलने के लिए इतने उतावले हो जाते हैं कि फैंस से मिलने के लिए बस तक से भी उतर जाते हैं। राहुल गांधी और ट्रूडो अपनी दरियादिली का प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं चूकते। 2016 में ट्रूडो की एक छोटे बच्चे के साथ बैठते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। दरअसल वह फोटो 2015 की थी, जब ट्रूडो एक स्कूल के बच्चे को सांत्वना दे रहे थे क्योंकि स्कूल में उसका दिन खराब गया था। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच राहुल गांधी ने फुटपाथ पर बैठे प्रवासी मजदूरों के साथ इसी तरह की नौटंकी की थी। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस असम में हार गई थी उस समय पिट्टी यानी राहुल का पालतू कुत्ता किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी की समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलना ज्यादा उचित समझा। ट्रूडो ने राहुल गांधी का यह स्टंट पहले किया था। दरअसल उन्होंने चुनाव के दौरान तो ऐसा नहीं किया, लेकिन अपने पालतू कुत्ते को दुनिया से जरूर रूबरू कराया। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।